कलेक्ट करने के उपरांत, हम लोग शिकायत कैसे करें इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे जिला लोक अभियोजन कार्यालय में पदस्थ सहायक लोक अभियोजक श्री सचिन द्विवेदी जी जो हमें बताएंगे कि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी इकट्ठा करने के उपरांत हम इसको कैसे करें लोकायुक्त में है आर्थिक अपराध ब्यूरो में है या किसी भी अथॉरिटी के पास हम इसकी शिकायत कैसे करें उस शिकायत के दौरान हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए हमें किस तरह शपथ पत्र देना चाहिए किस तरह साक्ष्य देने चाहिए इस विषय में हमारा मार्गदर्शन करेंगे श्री सचिन द्विवेदी जी अब हम मैं सचिन द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि अपना इस विषय में हम सबका को मार्गदर्शन दे अपना उद्घार प्रशन दे धन्यवाद श्री द्विवेदी जी क्या आवाज बराबर आ पा रही हमारी बिल्कुल आवाज आ रही धन्यवाद कुछ अनुभव हैं जो कार्य के दौरान मिले हैं विषय में हमें जो आपने विषय दिया है तो वो हम आपसे शेयर करेंगे तो सबसे पहले ये है कि आप जो शिकायत करना चाह रहे हैं वो किस व्यक्ति की करना चाह रहे हैं ये निश्चित हो जाए शिकायत जिसकी आप करना चाहते हैं तो जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम उन्नीस बना है इस संबंध में कि लोक सेवक भ्रष्टाचार ना करें उसके निवारण के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम बना उसमें शिकायत आप किसकी कर सकते हैं ये तय होता है लोक सेवक से जिस व्यक्ति को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम लोक सेवक मानता है उसकी आप शिकायत इस अधिनियम के अंतर्गत कर सकते हैं इसकी परिभाषाएं दी गई हैं उसको सरल शब्दों में जानते हैं सबसे पहले तो ये तय कर लें कि कोई भी व्यक्ति जो राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की सेवा में है वो लोक सेवक है सर्विस कर रहा सीधे सीधे दूसरी स्थिति आती है कि किसी भी तरह से जो व्यक्ति लोक कर्तव्य का निर्वहन कर रहा लोक कर्तव्य क्या है जिसमें समाज की जिसमें पब्लिक की या स्टेट की रुचि है कोई भी व्यक्ति जो ऐसा कर्तव्य कर रहा है जिसमें स्टेट सोसाइटी या जनता की रुचि है वो लोक कर्तव्य है और जिस भी व्यक्ति को यह लोक कर्तव्य दिया गया है वो उस भ्रष्टाचरण किया जाता है अपने पदी दायित्व में अनियमितता की जाती है उसकी भी आप शिकायत इस अधिनियम के अंतर्गत कर सकते हैं जो आपके पंच हो गए सर नौकरी करते हैं। एक आम आदमी को ऐसा समझ में नहीं आता कि ये सरकार के नौकर है लेकिन ये सब लोग कर्तव्य का निर्वहन करते हैं और उसके लिए सरकार से किसी न किसी तरह से जो पाते हैं इसलिए इन सब की शिकायतें आप लोकायुक्त अधिनियम भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत कर सकते हैं आपके एमपी, एमपी हो गए लोकसभा सदस्य हो गए आपके एमएलए विधायक सांसद ये सब भी इस अधिनियम के अंतर्गत कवर होते हैं फिर इस अधिनियम के अंतर्गत आप शिकायत किसकी नहीं कर सकते हैं ये जानना भी मत ऐसा आपको लगेगा कि हम सबकी शिकायत कर सकते हैं तो इस अधिनियम से दो लोगों को निकाल दिया गया एक तो जो जुडिशियल ऑफिसर्स है आपके जज जो हाई कोर्ट के अंतर्गत सेवा करते हैं उनकी शिकायत आप लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू में नहीं कर सकते दूसरा हो गया जो आपके पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी का अध्यक्ष है उसकी भी शिकायत आप लोकायुक्त या ईओडब्ल्यू में या किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से नहीं कर सकते तो जो लोक सेवक है उसकी शिकायत आप कर सकते हैं और इन दो जजेस क्यों जानना दो तरह से भ्रष्टाचार के आचरण होते हैं पहला होता है कि आप किसी पब्लिक ऑफिस में गए वहां जो भी पब्लिक ऑफिसर है वो आपसे किसी तरह से डिमांड करता है किसी भी तरह से डिमांड करता है सिर्फ रुपयों तक डिमांड को सीमित ना करे वो अपने वेतन के अलावा आपसे कुछ भी चाह रहा है ऐसी चीज चाह रहा है जिसका रुपए में मूल्यांकन करना जाना संभव नहीं है उस चीज की भी आप शिकायत कर सकते जैसे आप किसान हैं आप किसान हैं आपसे वो आपके उत्पाद चाह रहा है कि एक किलो चावल दे दीजिए या पांच किलो चावल दे दीजिए तो हम पटवारी हैं आपका ये काम कर देंगे यहां वो आपसे रुपए नहीं मांग रहा है इस बात की भी शिकायत आप कर सकते हैं और ये भी उतना ही महत्वपूर्ण और आपके लिए कारगर होगा भ्रष्टाचार के मामले में जितना की रुपए का मांगना अब कई बार आपको ये लगता है कि ये तो उसकी ड्यूटी है जो अमूमन आजकल भ्रष्टाचार होता है कि पब्लिक सर्वेंट आपसे वही काम करने के लिए पैसा मांग रहा है जिस काम को करने की उसकी ड्यूटी है मतलब आप उससे कुछ गलत भी नहीं करा रहे हैं। आप उससे उसकी ही ड्यूटी करा रहे हैं जैसे कि मान लीजिए कि तहसीलदार साहब हैं तहसीलदार साहब की ये ड्यूटी है कि नामांतरण का मामला उनके सामने है तो उसमें उनको आदेश करना कोई विवाद नहीं है आप कोई गलत आदेश नहीं चाहते फिर भी तहसीलदार साहब बिना पैसा लिए आपसे नहीं करेंगे या पटवारी साहब बिना पैसा लिए फाइल पुटअप नहीं करेंगे तो यहां वो अपनी ड्यूटी ही करने के लिए आपसे किसी तरह की डिमांड मांगते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार के दायरे में आएगा और यदि वो आपसे किसी आप उससे कुछ गलत काम कराना चाहते हैं पैसे देके वो भी भ्रष्टाचार के दायरे में आएगा एक जो नई चीज आई है 2018 के संशोधन में वो ये आई इसमें संशोधन किया गया 2018 में इस अधिनियम में संशोधन में यह किया गया कि पहले होता क्या था कि जो पब्लिक सर्वेंट है जो पब्लिक सर्वेंट है वो प्राइवेट लोगों को रख लेता था पटवारी साहब ने एक डमी कैंडिडेट अपना रख लिया वो किसान से बात कर रहा है वो पैसे तो मांग रहा है और फिर पैसे ले जाके पटवारी साहब को दे दे रहा है तो अब इसके लिए भी उपाय कर दिया गया है कि यदि पटवारी साहब की ओर से कोई तीसरा व्यक्ति पैसे मांग रहा है। और पटवारी साहब आपसे बात नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहा है कि मेरे पटवारी से संबंध है मैं आपका काम करा दूंगा तो इस व्यक्ति की भी शिकायत आप कर सकते हैं और इसी के डिमांड के आधार पर आप पटवारी साहब की भी शिकायत कर सकते हैं तो जो थर्ड पर्सन था वो पहले जो पुराना अधिनियम था उससे बच जाता था तो अब तीसरा व्यक्ति भी आ जाएगा अब आपसे ये ये हो गई है डिमांड की बात आपसे रिश्वत मांगी जा रही है अब रिश्वत मांगी जा रही है तो इसकी शिकायत करने आप कहा जाए इसके लिए लोकायुक्त अधिनियम बनाया गया उन्नीस में और लोकायुक्त संगठन बनाया गया मध्य प्रदेश के लिए एक संगठन लोकायुक्त काम करता है वो पीसी एक्ट के संबंध में काम करता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के संबंध में काम करता है इसमें जो प्रैक्टिकली कई जगह एसपी कार्यालय बनाए गए संभाग स्तर पर एसपी कार्यालय बनाए गए जैसे अपने यहां सात या छह या सात एसपी कार्यालय लोकायुक्त के हैं उनके अंतर्गत या सात जिले हैं तो अब जैसे आपसे किसी लोक सेवक ने किसी भी तरह की डिमांड की डिमांड की तो आपको एक एप्लीकेशन बना के उस एप्लीकेशन को लिखते समय आप सबसे पहली चीज ये बताएं कि आप कौन हैं ठीक उस एप्लीकेशन को आपको संबोधित करना है पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त रीवा सागर भोपाल जबलपुर जहां भी आप करना चाहे, उसको संबोधित करते हुए दूसरी चीज आप लिखेंगे कि आप कौन पहले कि मैं फला फला जगह का निवासी हूं मेरी यहाँ भूमि थी उस भूमि में नामांतरण किया जाना है नामांतरण करने के लिए मैं फला पटवारी साहब के पास आवेदन लेके गया था या अपनी रजिस्ट्री लेके गया था ठीक वो पटवारी साहब किस हलके में पदस्थ है और किस पद पर पदस्थ है यदि आप बता सकते हैं तो ये भी बता दें उनका नाम बता दें अब जो काम आपका है वो काम के बारे में लिखे कि मैं इस काम से गया था और जो बातचीत का आपका ब्यौरा है कि क्या बातचीत हुई पटवारी साहब से उस बातचीत का ब्यौरा भी लिखें और यदि संभव है आप डेट लिख पा रहे हैं कि आपकी 25 तारीख को मुलाकात हुई तब पटवारी ने ऐसा कहा 26 को मुलाकात हुई तब पटवारी ने ऐसा कहा 27 को मुलाकात हुई तब पटवारी ने ऐसा कहा यदि आप ये याद कर पा रहे हैं और लिख पा रहे हैं डेट स्थान लिख पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ उससे मुलाकात हुई कहाँ पैसा उसने मांगा आपसे तो ये आपकी शिकायत को ज्यादा विश्वसनीय बना देता है अमूमन आप लोग आप जो शिकायतें आती है उसमें ये लिखा होता है कि मैं पटवारी के पास गया जिस दिन वो शिकायत करने लोकायुक्त जा रहा उस दिन की डेट तो बताता है पर होता क्या है कि जिस दिन आप शिकायत करने एसपी के पास जा जा रहे हैं उससे पहले ही आपसे मांग की जा चुकी होती है और हो सकता है कि कई बार मांग की जा चुकी हो तब आप लोकायुक्त तक आते हैं तो आपको वो दिनांक यदि याद कर पा रहे हैं तो वो दिनांक भी बताएं कि मैं 21 तारीख को तीन बजे दोपहर फला कार्यालय के सामने पटवारी साहब से मिला तो उन्होंने पांच हजार रुपए की मांग की या तहसीलदार से मिला तो उन्होंने पांच हजार रुपए की मांग की किसी से भी पब्लिक सर्वेंट से। या आपकी को विश्वसनीय ज्यादा विश्वसनीय फिर जिस समय आप शिकायत करने जा रहे हैं उस समय आपको एक अपने पास फोटो रखनी होती है खुद की पासपोर्ट साइज की फोटो रखे उस फोटो को उस आवेदन पर चस्पा करते हैं जैसे आपने शिकायत दी शिकायत आपको गोपनीय तरीके से पुलिस अधीक्षक को देनी है पुलिस अधीक्षक के पास जैसे ही शिकायत पहुंच गई तो पुलिस अधीक्षक उसमें से अपने एक सवारिनेट या अधीनस्थ जो भी उसका अधिकारी कर्मचारी होता है उसको नियुक्त करता है और वो आपके शिकायत का सत्यापन करता है शिकायत का सत्यापन करेगा सत्यापन करने का तरीका उनका अपना अलग अलग होता है सामान्यतः वो एक आपको वॉइस रिकॉर्डर दे देते हैं वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो आप हमारे सामने लिख के लाए हैं कि हमसे पांच हजार रुपए की मांग हो रही है क्या वास्तव में सही है एक पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे आपकी बात पर भरोसा करके उसकी वो तस्दीक करते हैं आपको एक रिकॉर्डर दिया जाता है उस रिकॉर्डर के साथ वो अपना एक कर्मचारी भेजते हैं आरक्षक भेजते हैं वो देख करता है कि आपके साथ मारपीट ना हो रिकॉर्डर तोड़ा फोड़ा ना जाए आप बातचीत करके रिकॉर्ड करके लाते हैं और फिर उसके बाद एक दूसरा आवेदन आप देते हैं फिर डिमांड की जब आप बातचीत करने रिकॉर्डर लेके जाएंगे तो फिर आपसे डिमांड की जाती है भाई आप किसी भी अधिकारी से बात करेंगे कर्मचारी से बात करेंगे तो आपसे फिर वापस डिमांड करेगा कि नहीं और कुछ निगोसिएशन होता है कि कम कर दें ज्यादा कर दें ऐसी बातचीत अमूमन कही जाती है कि आप करें अब उसके बाद रिकॉर्डर लेके आप वापस आते हैं उसके साथ एक दूसरा आवेदन देते हैं दूसरा आवेदन जब आप देते हैं तो उसमें फिर आपको फोटो चस्पा करनी होती है और ये बताया जाता है कि मैं आज फला फला समय पर फला फला दिनांक को पटवारी साहब से मिला वहां उन्होंने इस काम के लिए इतने रुपए मांगे और उस बातचीत को मैंने आपके द्वारा दिए गए रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया उसके बाद की कार्यवाही लोकायुक्त करती है वो ट्रैप करते हैं हाँ जो रुपए दिए जाते हैं जैसे आपने कहा कि मुझसे पांच हजार रुपए मांगे जा रहे हैं उन रुपयों की व्यवस्था शिकायतकर्ता को ही करनी होती कोई ऐसा फंड शासन की तरफ से अभी उपलब्ध नहीं है कि जो शिकायतकर्ता जिस रुपए की मांग की बात कर रहा है वो कौन दे इसके अभाव में जो शिकायत करने जा रहा उस व्यक्ति को ही रुपयों की व्यवस्था करनी पड़ती ये तरीका हो गया आपसे जब आपसे कोई व्यक्ति डिमांड कर रहा पब्लिक सर्विस दूसरी शिकायत होती है कि आपके आसपास आप देख रहे हैं कि कोई पब्लिक सर्वेंट है वो भ्रष्टाचार करके बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी बना ले रहा है या जितनी उसकी आय है मान लीजिए कि पांच लाख रुपए तीन साल की नौकरी में उसकी आय हुई और वो पचास लाख का उसका आपको दिख रहा है कि पचास लाख की प्रॉपर्टी इसने बना ली एक शिकायत होती है आय से अधिक संपत्ति की जो पब्लिक सर्वेंट की आय है उससे कई गुना संपत्ति उसने अर्जित कर रखी है अब इसकी शिकायत थोड़ा सा दूसरे तरीके से आपको करनी होगी इसकी शिकायत आपको करने के लिए सबसे पहले आपके वो साधन क्या हैं जिन साधनों के आधार पर आप ये तय कर पा रहे हैं कि इसकी संपत्ति आय से अधिक है जैसे होता क्या है कि कोई तहसीलदार है या कोई मान लीजिए पुलिस के अधिकारी है कोई टी साहब है ना आपको लगता है कि इनका वेतन चालीस हजार रुपए महीने का है या पचास हजार रुपए महीने का है इनके पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा दस लाख रुपए की और आप देख रहे हैं कि उन दरोगा साहब के पास जो प्रॉपर्टी है वो कई करोड़ों की प्रॉपर्टी है जगह जगह उनके प्लाट बने हुए हैं जगह जगह घर बने हुए हैं आठ दस गाड़ियां हैं बेटा फॉरेन में पढ़ रहा है बेटी की शादी हुई बेटी की शादी में कई करोड़ उन्होंने खर्च किए ये सब आप अब जब शिकायत के रूप में रखेंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि उसकी जो प्रॉपर्टी है यथा संभव खोजना है कि प्रॉपर्टी को आप बता पाए कि कहा प्लाट है जैसे आप लिख दें कि रीवा में पांच प्लाट है रीवा में पांच प्लाट है या रीवा में पांच घर है ऐसी शिकायत जब आप लिख के देंगे तो ये ऊपर जाके इंटरटेन नहीं होगी आपको कोशिश ये करना है कि आप ये बता पाए कि रीवा के फला हल्का में फला खसरा नंबर पर इनका प्लाट स्थित है यदि आप खसरा नंबर नहीं पा रहे हैं तो फिर यदि हल्का बता दे रहे इतने से भी काम चल जाएगा तो आप बताएं कि रीवा के किन किन हल्का पटवारी हल्का में इनके कौन कौन से प्लाट हैं आप खसरा नंबर नहीं बता पा रहे हैं तो आप उसकी लोकेलिटी बता सकते हैं लोकेलिटी मतलब कि इस मंदिर के पास इस मैदान के पास इनके घर के पास है ना जो भी आप उसकी पहचान प्लाट की बता पा रहे हैं खसरा के अलावा तो वो आप उसमें बताएं कि एक, एक प्लाट इनका चिरोला मंदिर के पीछे है एक प्लाट इनका स्टेडियम के पीछे है एक प्लाट इनका विश्वविद्यालय के पीछे है है ना खसरा हल्का आप जान सकते हैं आसानी से एक सामान्य किसी भी पूछताछ करेंगे वो हल्का बता देगा किस स्थान का हल्का पटवारी हल्का क्या खसरा नंबर जानने में दिक्कत होती है उसके लिए आप उसकी सामान्य पहचान बता दें फिर दूसरी शिकायत आप करेंगे कि इसके पास पंद्रह गाड़ियां हैं पांच गाड़ियां हैं उन गाड़ियों का यदि आप रजिस्ट्रेशन देख ले कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है और आर की वेबसाइट से आप ये भी देख सकते हैं कि किसके नाम रजिस्टर्ड है आप उसका भी डिटेल अपनी शिकायत के साथ लगा दें। उसकी उसकी अब आप कहेंगे कि आय से संबंध में आपको कुछ होना चाहिए तो सामान्यतया आय की, की आप जानकारी उसके विभाग से मानेंगे तो विभाग देने से मना कर देगा कि इसकी आय क्या है हम नहीं दे पाएंगे व्यक्तिगत मैटर है ना तो उस आप उसको एक जनरल आय मांग सकते हैं कि इस पद पर कोई भी व्यक्ति यदि पदस्थ हो तो उसकी ज्वाइनिंग के समय क्या थी वेतनमान और आज की डेट में क्या वेतनमान इससे आप ये तय कर पाएंगे कि आप जो उसके ऊपर आरोप लगा लगा रहे हैं कि आय से अधिक संपत्ति है तो उसकी आय इतनी है आप ये बता पाएंगे और दूसरी तरफ आप उसकी प्रॉपर्टी बता रहे हैं ये प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी है और यदि आप ये भी बता पाए कि ये जो प्रॉपर्टियां हैं जिन प्रॉपर्टियों पर आरोप लगा रहे हैं कि वो भ्रष्टाचार से बनाई गई है वो कब अर्जित की गई है कब क्रय की गई है यदि ये बता पा रहे हैं तो आपकी शिकायत में और वजन आ जाता है अब कई बार क्या होता है कि जो पब्लिक सर्वेंट होता है जिसकी आप शिकायत कर रहे हैं वो अपने नाम से प्रॉपर्टियां खरीदता ही नहीं है दूसरे के नाम से खरीद रहा दूसरे के नाम से खरीद रहा है तो आप नहीं दिखा पाते हैं कि ये इसकी प्रॉपर्टी तो जो कानून कहता है वो कहता है कि यदि उसकी फैमिली में किसी भी व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी है फैमिली में कौन कौन आएगा उसकी पत्नी आएगी उसके उसका बेटा आएगा और कोई लड़की है जो अनमेरिड है अविवाहित लड़की है उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है वो भी फैमिली में आएगी यदि चाहे आ, जिस पब्लिक सर्वेंट की आप शिकायत कर रहे हैं उसके पास प्रॉपर्टी हो या उसके बालक के पास प्रॉपर्टी हो उसकी पत्नी के नाम कोई प्रॉपर्टी है या उसकी कोई अविवाहित पुत्री है उसके नाम प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी भी माना जाएगा कि उस पब्लिक सर्वेंट की है अच्छी लगी या कोई पब्लिक सर्वेंट किसी तीसरे व्यक्ति के नाम प्रॉपर्टी करा देता है पर आपको लगता है कि ये जो तीसरा व्यक्ति है डमी कैंडिडेट है ये पब्लिक सर्वेंट की ओर से काम कर रहा उसकी प्रॉपर्टी इसने अपने नाम करा रखी है तो भी आप शिकायत कर सकते जैसे कि मान लीजिए दरोगा जी है ना दरोगा जी का एक खेत है खेत में उनके पास कोई लेबर रहता है एक उनके पास कर्मचारी है जिसको कह सकते हैं अपने यहां बोलचाल भाषा में लगुआ कहते हैं ना तो दरोगा जी ने उस, उस अपने कर्मचारी के नाम कई करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रखी है ठीक तो इसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं कि इन्होंने इस कर्मचारी इनके खेत में काम करता है और इसकी आय के कोई साधन नहीं है ये मजदूर है और दरोगा जी ने अपनी प्रॉपर्टी इसके नाम से खरीद रखी है उसकी भी शिकायत आप कर सकते हैं। यह हो गया कि आप किस किस बात की शिकायत करें कब करें अब जब आप शिकायत करने जाएंगे तो आपको कैसा करना है तो शिकायत जो एफिडेविट होता है उसमें देनी है, एफी में देनी है तो एफिडेविट में आपको सबसे पहले लिखना आपकी आप वलदीयत क्या है आपके पिताजी का नाम ये है आप रहते कहां हैं निवास आपका यह है आप करते क्या है अपना पैसा लिखे पैसा लिखने से क्या होता है कि आपके शिकायत करने का जो ग्रेविटी है वो पता चल जाता है एक मजदूर शिकायत करेगा तो लगता है कि एक प्रताड़ित होगा जैसे एक वकील शिकायत करते हैं तो ये अवेयरनेस की बात है ठीक है तो जो आपका पैसा है उससे जिस एजेंसी को शिकायत इंटरटेन करना है जिसमें काम कर रहा है उसको थोड़ा सा आसानी हो जाती है आपकी शिकायत की विश्वसनीयता को परखने में फिर आप उस कर्मचारी की शिकायत करेंगे उसका पद बताइए उसका पदस्थापना बताइए ठीक उसका नाम यदि आपको पता है उसका नाम बताइए तीसरी चीज आपको ये बताना है कि उसने अपने आफिस का किया है। है वो जिस पद पर आपको ये आरोप लगाना है कि उसने अपने पद का दुरुपयोग किया किस तरह किया है ये आप आगे बताएं। ये इस पद पर वर्ष 2012 में पदस्थ हुआ था 2013 में पदस्थ हुआ था उसके बाद आपने जो जानकारी एकत्रित की है उसके विभाग से कि इस पद पर इसका वेतन इतने रुपए था आज दिनांक को आपने जो जानकारी इकट्ठा की है कि 2020 में इस पद पर नियुक्त व्यक्ति का वेतन इतना है एक एस्टिमेट आप मोटा मोटा लगा सकते हैं कि हमारी समझ से इसका कुल जो वेतन के रूप में आए हुई वो इतने लाख रुपए हुई अब फिर आप आरोप लगाइए आरोप लगाइए जो आपने डेटा इकट्ठा कर रखा है कि इस कर्मचारी ने वर्ष 2018 में चिराहुला मंदिर के पीछे 25 लाख का प्लाट खरीदा इस कर्मचारी ने 2017 में स्टेडियम के सामने 30 लाख का प्लाट खरीदा ठीक उस प्लाट का विवरण बताइए जो आपने इकट्ठा किया है इतनी चीजें आप बताएंगे कि ये उसकी संपत्तियां जो आपकी जानकारी में है कुछ संपत्तियां हो सकता है आपकी जानकारी में ना हो जैसे उसके बैंक खाते उनके बारे में भी आप एक मोटा-मोटा आरोप लगा सकते हैं कि इनके कई बैंक खाते अलग-अलग बैंकों में संचालित हैं ये आपने शिकायत दे दी अब किसी के साथ जब एफिडेविट देंगे तो आपको एफिडेविट में ये लिखना है कि जो आपने ऊपर एक नंबर पैराग्राफ में आप शिकायत करेंगे एक नंबर पैराग्राफ दो नंबर पैराग्राफ चार नंबर पैराग्राफ तो आपको बताना है कि मैंने जो ऊपर तथ्य लिखे हैं वो मेरी जानकारी में सत्य और सही है फिर उसके बाद जो आपने शिकायत की है उसको आइडेंटिफाइड करवाइए। एफिडेविट जो आपने तैयार किया उसको किसी तीसरे व्यक्ति से तस्दीक कराइए तस्दीक करने वाला क्या लिखेगा कि जो ये करता है जो एफिडेविट दे रहे हैं उन्होंने इस एफिडेविट पर मेरे सामने दस्तखत किए हैं आपके दस्तखत का भी प्रमाणीकरण हो गया और आपने एफिडेविट में जो अपनी बात लिखी है उसको आपने खुद प्रमाणित कर दिया ये शिकायत आप जब आप भेजेंगे तो थोड़ा सा गंभीर रहती है फिर कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की शिकायत के लिए आपसे अपेक्षा की गई है कि आप पचीस रुपए की स्टाम्प ड्यूटी भी दे दे तो अच्छा है। जैसे आप किसी सेक्रेटरी की शिकायत करना चाहते हैं एडिशनल सेक्रेटरी चीफ सेक्रेटरी इसकी शिकायत करना चाहते हैं या आप किसी मंत्री की शिकायत करना चाहते हैं ठीक है तो इन लोगों की शिकायत करने के लिए आपको जो एफिडेविट है उसके साथ पच्चीस रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प भी खरीद के लगाना होगा यह आप थोड़ा सा इनको अलग रख दिया गया है मिनिस्टर की शिकायत करें या आप सेक्रेटरी की शिकायत करें तो एफिडेविट में तो आपको देनी ही है और उसके अलावा पच्चीस रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प भी खरीद के लगाना होगा अब आप शिकायत किस मामले में ना करें अभी हमने ऊपर चर्चा की थी पहले चर्चा की थी कि किसकी शिकायत आप नहीं कर सकते जजेस की नहीं कर सकते और पीएससी के चेयरपर्सन की नहीं कर सकते कुछ मामले जो होते हैं वो विभागीय जांच के होते हैं। भाई आप जिस विषय में शिकायत कर रहे हैं कि ये कर्मचारी ये कर्मचारी अतिरिक्त आय की है जो इसके वेतन से अधिक है तो यदि उस संबंध में उस लोक सेवक की कोई इंक्वायरी चल रही है या कोई कमीशन बैठा दिया गया है तब कहा गया है कि ये शिकायतें लोकायुक्त इंटरटेन नहीं करेगा या ईओडब्ल्यू इंटरटेन नहीं करेगा या जिस आप जिसकी आप जिसकी शिकायत कर रहे हैं जैसे कि आपसे किसी ने आज से आठ साल पहले पांच हजार रुपए मांगा था या सात साल पहले मांगा था तो जैसे ही डिमांड किए जाने की या जिस संबंध में आप शिकायत कर रहे हैं पांच साल बीत गया मतलब जिस बात की आप शिकायत कर रहे हैं वो बात पांच साल पुरानी हो चुकी है तब भी आपकी शिकायत को लोकायुक्त इंटरटेन नहीं करेगी वो उस पर काम नहीं करेगी तो आपको पांच साल खत्म होने के पहले ही अपनी शिकायत भेज देना फिर कुछ चीजें एक और आपको विकल्प है कि मान लीजिए आपने लोकायुक्त में शिकायत की या पुलिस अधीक्षक लोकायुक्त को शिकायत की वो आपकी शिकायत पर काम नहीं कर रहा कई बार लोक सेवक बहुत सारे प्रभावशाली होते हैं तो वो आपकी शिकायत पर काम नहीं कर रहा अब आप क्या करेंगे आपके पास सारे दस्तावेज हैं ये इसने इतने प्लाट्स खरीदे है यहाँ यहाँ खरीदे हैं इसकी आमदनी पांच लाख रुपए थी और ये पांच करोड़ की प्रॉपर्टी बना के रखा पांच साल में लोकायुक्त को आपने शिकायत की कई सारे कारण रहते हैं कभी इंटरटेन नहीं हुई तब आपके पास क्या विकल्प है तो आप एक परिवाद तैयार करें परिवाद मतलब जैसा आप शिकायत किया था आपने अपनी पुलिस अधीक्षक के नाम लिखा था या लोकायुक्त के नाम आपने शिकायत लिखी थी अब आप किसके नाम लिखे न्यायालय के नाम लिखे हर जिले में लगभग एक एडीजे स्तर के अधिकारी को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज स्तर के अधिकारी को विशेष न्यायालय घोषित किया गया वो विशेष न्यायालय लोकायुक्त न्यायालय कहलाता है या पीसी एक्ट का न्यायालय कहलाता है अब आपको वो परिवाद तैयार करना है और कहा पेश कर देना है कोर्ट के नाम वही चीजें लिखनी है और किसके सामने पेश कर देना है जज साहब के सामने पेश कर देना विशेष न्यायालय लोकायुक्त में अब विशेष न्यायालय आपसे कुछ चीजें पूछताछ करेगा आपके स्टेटमेंट होंगे और स्टेटमेंट के बाद वो आपके परिवार को इस आधार पर खारिज कर देगा कि एक स्वीकृति चाहिए होती है शासन से अभियोजन स्वीकृति चाहिए होती है कि शासन अपने कर्मचारी के बारे में मानता है कि उसने भ्रष्टाचार किया है तो वो मजिस्ट्रेट या एडीजे साहब खारिज कर देंगे और फिर वो खारिजी आदेश लेके आपको कहा भेज देना है शासन के पास भेज देना है या जिसे लगता है कि ये जिस कर्मचारी की आप शिकायत करते हैं उसको पद से हटाने में सक्षम उसके पास भेज देना है वहां से आपको सैंक्शन मिल जाएगी और जब सैंक्शन मिल जाएंगी तो आपका परिवाद वाला मामला आगे बढ़ जाएगा कोर्ट उसमें कार्यवाही चालू कर देगा कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए हैं कि जो लोकायुक्त एक्ट बनाया गया वो भ्रष्टाचार मतलब उसका एकमात्र उद्देश्य है कि भ्रष्टाचार रुके अमूमन क्या होता है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है जब कोई मामला आप कोर्ट के सामने ले जाते हैं तो कोर्ट ये मानती है कि आरोपी निर्दोष है जब तक कि मामला सिद्ध ना हो जाए और भ्रष्टाचार के मामलों में एक विशेष प्रावधान किया गया है कि कोर्ट ये मानता है कि आप दोषी हैं बर्डन ऑफ प्रूफ यदि एक बार जो लोकायुक्त एजेंसी है या आप परिवार के थ्रू जा रहे हैं कोर्ट के सामने एक बार आपने ये बता दिया कि इस व्यक्ति ने ऐसा ऐसा रिश्वत हमसे ली थी तो जो बाकी मामलों में कोर्ट ये मानता है कि ये निर्दोष है इन मामलों में माना जाता है कि आप दोषी हैं अब आरोपी के ऊपर ये दायित्व आ जाता है कि वो ये चीज को स्पष्ट करे कि हमने अपराध नहीं किया हमने कोई डिमांड नहीं की थी तो इसमें सजा दिलाना इसीलिए आसान होता है अन्यमों की अपेक्षा कुछ आप लोग प्रश्न करना चाहें जो समस्याएं आती हों आप काम करते हैं तो उस विषय में कुछ बातचीत हो जाए द्विवेदी जी ने बहुत अच्छी जानकारी हम सभी को दी है आपके पास आप